हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम जानेंगे हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग यानी कि क्रेन ऑपरेशन में क्या क्या हजार्ड है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कंट्रोल मेजर फॉर क्रेन ऑपरेशन, क्रेन ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें कंट्रोल मेजर क्या क्या लगाना है। उसके बाद जानेंगे हाउ टू मेंटेन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल सेफ्टी, और लास्ट में जानेंगे हाउ टू इंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो इन चार चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग मींस हजार्ड इन क्रेन ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हजार्ड क्या होता है, ग्राउंड फेल्योर होने की संभावना वहां पे होती है, वो एक हजार्ड है। इक्विपमेंट फेल्योर होने की भी संभावना होती है, वो भी एक हजार्ड है। ह्यूमन फेल्योर, आदमी के द्वारा कुछ गलती हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। रिगिंग फेल्योर हो सकता है, रिगिंग करने में कुछ गलत किया तो उसके कारण भी हजार्ड, ये भी एक हजार्ड है। लोड फेल्योर, यहाँ पे लोड फेल्योर होने की संभावना हो सकती है, ये भी एक हजार्ड है। और उसके बाद देखेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन, मैंने इन्वायरमेंटल कंडीशन का कुछ हो जा रहा, बारिश होना, आंधी तूफान होना, उस दरमियान है जो क्रेन का ऑपरेशन करना, वो भी एक हजार्ड है। फिर देखेंगे प्रॉक्सिमिटी हजार्ड, जहाँ पे क्रेन काम कर रहा है वहाँ पे कोई ओवर हेड पावर लाइन क्रॉस वगैरह तो नहीं कर रहा है, वो भी एक हजार्ड है। और नेक्स्ट अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंट्रोल मेजर फॉर क्रेन ऑपरेशन। तो क्रेन ऑपरेशन में कंट्रोल मेजर क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंश्योर लिफ्ट प्लान, तो लिफ्ट प्लान बनाना जरूरी है, सबसे पहले लिफ्ट प्लान बनाए ताकि सारे चीज का यहाँ क्लियरिटी हो जाए। नेक्स्ट उसका रिस्क असेसमेंट बनाना है और जीएससी बनाना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट करना है, चेकलिस्ट बनाने हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम लगाने यहाँ पे पीटीडब्ल्यू। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट ऑपरेटर रिगर्स एंड सिग्नल मैन का है जो डिप्लॉयनेशन करना है, इस सारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड टैकल, तो इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए जो कि टीपीआई द्वारा किया जाता है, ये है तभी है जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। फर्म एंड लेवल ग्राउंड कंडीशन, जहाँ पे क्रेन खड़ा होगा वो ग्राउंड कंडीशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन, ये कंपलसरी है, तो जहाँ भी पावर लाइन जा रहा है वहाँ अगर क्रेन का ऑपरेशन है तो वहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करना कंपलसरी है ताकि उसमें टच नहीं हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेवेटेड एरिया, अब क्रेन को वहाँ खड़ा करना जहाँ एक्सेवेटेड एरिया है, तो ध्यान देना है कि कितना डिस्टेंस पे खड़ा करना है ताकि है जो एक्सेवेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में करंट टपल नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे कीप क्लियर ऑफ कंजेस्टेड एरिया, इसके बाद देखेंगे एरिया बैरिकेडिंग, तो जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे एरिया बैरिकेडिंग करना जरूरी है। और नेक्स्ट है एडिक्वेट सुपरविजन एंड सिग्नलिंग, तो वहाँ पे सुपरविजन का एडिक्वेट होना चाहिए, सिग्नलिंग एडिक्वेट होना चाहिए, ये जरूरी है। चलिए और नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसका तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ऑब्वियस है करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू मेंटेन लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक इंस्पेक्शन कंपलसरी है, टाइम टू टाइम इसका इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए जिससे पता चले इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे एस डब्ल्यू एल मार्किंग इस पे है कि नहीं, जिससे यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग है, इसमें भी मार्किंग है, ये सब मार्किंग होना चाहिए। डेली चेकलिस्ट इसका भरना चाहिए जिससे उसका क्लियरिटी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम कोरिजन, उसमें कोरिजन नहीं होना चाहिए, कोरोजन होने से वो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर सब डाला हुआ रहता है तो उस पर पंच होना चाहिए, सारे जितने लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उस पर आइडेंटिटी नंबर पंच होना चाहिए। कलर कोड उस पर लगा हुआ होना चाहिए, जैसे जो जो शेड्यूल होता है एक कंपनी टू कंपनी वैरी करती है, किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का मंथली होता है, तो उसमें जो कलर कोडिंग जिस आधार पे दिए वो कलर कोडिंग उस महीने के लिए है कि नहीं या उस क्वार्टर के लिए है कि नहीं, इसको देखना जरूरी होता है। और उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन उसका चेक करना चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शन। और नेक्स्ट है हाउ टू इंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, तो चलिए इसको देखते हैं। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले बैरिकेड लिफ्टिंग एरिया, जहां पे क्रेन ऑपरेशन हो रहा है तो उस एरिया को पहले बैरिकेड कर दें। नेक्स्ट है प्लेस साइन बोर्ड, वहां पे साइन बोर्ड लगा दें ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े यहाँ पे क्या काम चल रहा है। फॉलो स्विंग स्पीड लिमिट, तो क्रेन का जो स्विंग होता है लोड लेने के बाद उसको है जो उसके स्पीड को कम रखें, लिमिट रखें,
जितना है वो संभव है उतना ही करना है, स्पीड में करने का एक गलत होगा। डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, तो ये तो जानते हैं सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी भी फेल्यूर किसी भी वजह से हो सकता है। डू नॉट यूज डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल, डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने हैं। टैगलाइन का इस्तेमाल करना है ताकि लोड का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। कंटिन्यूस सुपरविजन ये कंपलसरी है, उससे सुपरविजन होना चाहिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर का केबिन में जब ऑपरेशन चल रहा है तो हमेशा प्रेजेंस होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फॉलो SWL ऑफ क्रेन, क्रेन का SWL के अनुसार ही है जो लोड को उठाया जाना चाहिए। फिर देखेंगे ट्रेलिंग, ट्रेल लिफ्ट का मतलब होता है कोई भी लोड को अगर उठाते हैं तो उसके पहले एक बार उठा के देख लें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करके कि लोड अच्छी तरह से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो इस तरह का जो फंक्शन करते हैं उसको ट्रेलिंग लिफ्ट बोलते हैं। उसके बाद जब ये इसमें उठा के चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है तो आप ऊपर उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एवॉइड लिफ्टिंग इन विंडी कंडीशन, हवा काफी जोरों से चल रही है तो उस कंडीशन में वहां पे क्रेन ऑपरेशन को नहीं करना चाहिए। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन होना चाहिए अगर रात में कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं। दिन में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कि शेडी होता है तो शेड वाले एरिया में वहाँ पे थोड़ा इल्यूमिनेशन पुअर होता है तो वहाँ इल्यूमिनेशन देना है, या रात में कर रहे हैं तो फुल्ली इल्यूमिनेशन देना है। और नेक्स्ट है इंश्योर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन किसके बीच, क्रेन ऑपरेटर और रिगर के बीच और जो सुपरवाइजर है उनके बीच सही कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो लिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम में। तो चलिए दोस्तों अभी आपने देखा क्रेन में, क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड क्या है, उसके बाद क्रेन ऑपरेशन में कंट्रोल मेजर क्या लेना है, हाउ टू मेंटेन लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी इसको क्या करना है, एंड हाउ टू इंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, ये सारी चीजों के बारे में आपने जाना। आशा करते आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।